अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो नोटिफिकेशन आया, अपडेट आया है, उसके बारे में। देखिए, आपके सामने होम पेज पे आपको एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से 15 अप्रैल 2020 को आया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जो मेन पॉइंट है, कहने का मकसद उनकी क्या है, मकसद यही है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट था, उसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पे बताया गया है, उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। कह रहे कि इन व्यू ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन पीरियड एंड गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डेटेड 15/4/2020, द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग ए स्कूल हैज़ बिन फर्दर एक्सटेंडेड टिल 14 मई 2020। इसका मतलब हुआ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी गाइज आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो डेट 15, अब पहले तो स्कूल वाले बच्चे के 11 मार्च थे, जो उसको एक्सटेंड कर कर 15 अप्रैल तक लाया गया। उसी तरह स्कूल और कॉलेज का फॉर्म का जो एक टाइम पीरियड है, उसको 4 मई 2020 तक कर दिया गया। सारे दोस्तों को पता है, सारी दुनिया को इस बात को खबर है, जो इंडिया में लॉकडाउन स्टेज सेकेंड, जो सेकेंड लॉकडाउन इंडिया में है, स्टेज सेकेंड, उसमें क्या किया गया, 3 मई तक आपको बंद रखा गया है। ठीक है, लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, उसके एक दिन की बात के भी एक दिन के बाद के लिए आपके पास टाइम है कि आप फिर से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एक दिन बाद भी, यानी 4 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात है कि मैं आपको बता दूं कि एडमिशन का जो मैंने, अब तो फॉर्म का बात हो गया, अब आपसे बात करता हूँ कि जो बच्चे हैं उनका एंट्रेंस कब होगा। स्कूल वाले बच्चे तो उनका एंट्रेंस जो मई के ऑलमोस्ट, जामिया में मई में ही एंट्रेंस होता था, 20 मई 30 मई, तो इसको क्या किया जाएगा, फर्स्ट लास्ट मई अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ द जून में कराया जाएगा। आज जो कॉलेज के बच्चे हैं उनका 1 वीक एक्सटेंड करके 15 जून तक उसको एक्सटेंड किया जाएगा। 15 जून तक उनका एंट्रेंस वगैरह होगा। और इसके अलावा आप आराम से अपना प्रिपरेशन कीजिए, घर पे बैठे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डल जाएगी हमारी एक वीडियो, आप उसको एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, जामिया कोचिंग सेंटर, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस, एंट्रेंस प्रिपरेशन, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और नोट्स वगैरह, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सीबीएसई सॉल्यूशन, वो सारे डाले जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं, जामिया एमयू का अपडेट डाले जाते हैं। तो उसके रिलेटेड भी आप एवरी इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एक अप्लीकेशन में बहुत सारी आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, उस पर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, यानी अपना ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप स्टडी करें, अच्छे से स्टडी करें और आपको एडमिशन हो जाएगी। और बस स्कूल के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई इस बार, क्योंकि एज यूजल पिछले साल से तो हुई था कि आपका 20 मई के बाद होता था, 30 मई पे होता था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले अप्रैल में ला दिया था ड्यू टू द प्रोटेस्ट। अब क्या हुआ, जो तो कोरोना उसको मई में ही ले गया जाया गया। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट वीक ऑफ द जून, फर्स्ट वीक ऑफ द जून तक जाए स्कूल वाले बच्चे का, अदरवाइज कॉलेज वाले बच्चे का फर्स्ट वीक ऑफ द जून में ही है, उसी को कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंशन का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट मे भी एक्सटेंड किया जा सकता है 1 वीक के लिए। और एडमिशन का जो डेट है एज यूजल सेम होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करके जो भी आपके दोस्त हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।